नीट एग्जाम के लिए यार आखिरी एक या दो दिन बचे हुए। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत एंग्जाइटी भी हो रही होगी, टेंशन आ रहा होगा, ये भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भैया जो पढ़े थे वो भूल गए हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा, डर लग रहा है पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। स्पेशली ड्रॉपर्स, ठीक है, मैं समझता हूँ जो ड्रॉपर्स हैं यार उनको एक अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, लोग पूछेंगे कि एक साल किया क्या घर बैठ के, तो वो प्रेशर अलग होता है। तो ये जो प्रेशर है लास्ट के एक दो दिनों का, जो बच्चा इसको सही से हैंडल कर लेता है ना वो नीट एग्जाम में फोड़ के आता है। बहुत बच्चे ये लास्ट के एक दो दिन के प्रेशर की वजह से अपना रिजल्ट, अपना पेपर खराब कर देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है भैया इसका, कैसे इसको मैनेज करें और लास्ट एक दो दिन के अंदर क्या करना चाहिए, मेरी फाइनल एडवाइस क्या होगी नीट तक जाने तक, एग्जाम देने तक क्या एडवाइस होगी मेरी। कुछ मेरे एडवाइसेस है, प्लीज सुन लेना यार, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे लाइफ चेंजिंग हो जाए, हो सकता है जहां तुम 300 स्कोर करने थे वहां तुम्हारा 450 स्कोर आ जाए। तो ये एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, कभी कभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जो पढ़ा है वो भूल गया हो, ठीक है, या स्ट्रेस आता है कि ये एक चैप्टर छूट गया, जो छूटा है। देखो हमारा माइंड ऐसा होता है ना कि ऑलवेज ये फोकस करता है नेगेटिव थिंग्स पे, ठीक है, कि यार ये टेस्ट मेरे नंबर नहीं आए थे, मेरा ये टॉपिक वीक रह गया, मेरा ये चैप्टर वीक रह गया, मेरा ये एनसीईआरटी मुझे ये सही से नहीं पड़ी। मतलब जो नहीं किया, जो चीज़ें नहीं की, हमने मान लो 100 में से 80 चीज़ें कर ली है, अगर 20 चीज़ें नहीं की है तो माइंड वो 20 चीज़ों पर जाता है कि भाई ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, और उस वजह से हम लोग जो 80 चीज़ें अच्छे से की थी ना वो भी अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जहाँ भाई हमारा रिजल्ट 80% आना था वह हम लोग 50-60% बैठ जाते, क्योंकि हमने फोकस किया जो वॉइड्स थे, जो मिस्टेक्स थी हमारी। समझ में आया प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये सब कर, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ हो रहा है बस, मेरे साथ भी होता था। मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, मेरा स्कोर 650 प्लस था लास्ट के कुछ दिनों के अंदर, स्टिल दिमाग में हमेशा था कि यार लास्ट एक दो दिन के अंदर कि पेपर ख़राब हो गया, तो अगर ओवरऑल मिस्टेक हो गई, तो बबलिंग सही से नहीं हुई, तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चीज़ें सबके साथ कॉमन है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ अपने टीचर से बात की थी, तो अपने टीचर्स पेरेंट्स से मैंने बात की, टीचर से बात करो, पेरेंट्स से बात करो, उनसे सलाह लो, थोड़ा कूल डाउन करो और खुद को समझाओ। मैंने हमेशा खुद को समझाया, अथर्व नहीं, रिजल्ट जो भी आए, ठीक है, अभी रिजल्ट का चिंता नहीं करते, जब तक अपने पास पूरी कंट्रोल है, अपन अपना 100% देते हैं, अपन लगे रहते हैं, ठीक है, अपन खुद को कॉन्फिडेंट बना के रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, आराम से चिल होते हैं, खुद को बोलो कि चिल हो जाए भाई, चिल हो जाए, चिल हो जाए। जब ये करोगे ना, माइंड धीरे धीरे अपने आप स्टेबल हो जाएगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़, रात को नींद नहीं आना, स्ट्रेस हो रहा होगा कि भाई तुम बेड पे जाते होंगे लेकिन नींद नहीं आ पाती है, मोस्टली बेड पे गिर गए लेकिन लगता है कि यार ये भी चीज़ बची है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो नींद से एक रात पहले ना मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी, एक घंटे मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया था, ठीक है। फिर खुद को बहुत कूल करने के बाद मैंने बालों में तेल लगाया था कि ठंडा रहे थोड़ा, मतलब होता है कि तेल थोड़ा ठंडा, नवरात्र वाला तेल वाला थोड़ा जो होता है ना, तो ठंडा ठंडा कूल कूल वो लगाया, उसके बाद थोड़ा सा गाने सुने, शांति वाले गाने, ठीक है, कुछ मेडिटेट किया, तब जाके नींद आई थी। और ये चीज़ सबका कॉमन है, ठीक है, बट अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन ये है कि जो एक दिन पहले, आज क्या है अपने पास, आज अपने पास मतलब वीडियो आ रहा है 4 तारीख है, 5 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख के जो दिन है, ठीक है, जितना सुबह तुम जल्दी उठ सकते हो उठो, मतलब 6-7 बजे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि जब तुम पूरा दिन एग्जॉस्ट हो गए तो रात को जल्दी सोओगे। मैंने 6 तारीख के दिन थोड़ा क्रिकेट भी खेला था, ठीक है, तो बैडमिंटन खेल सकते हो, थोड़ा घर पे ऐसा जॉगिंग कर लो, थोड़ा सा खुद को एग्जॉस्ट करो, पसीना आएगा, सो जाओगे, ठीक है, सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़, एक कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का कि भैया लास्ट डे पे टॉपर्स कहते हैं कि चिल करना होता है, लास्ट डे पे तो हम लोग आराम करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखो टॉपर्स की हर एक बात नहीं माननी होती, ठीक है, जो सही लगता है। मेरे वक्त भी कई टॉपर्स ने कहा था, जो जिन्होंने, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 निकाल दी उसके एक साल पहले, उन्होंने कहा कि हमने तो लास्ट दिन कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझे पता था ना भाई वो ऐसे लोग थे जिन्होंने 4-4 साल मेहनत की है, ठीक है। मैं ड्रॉपर हूँ, मुझे देखो ऐसा है ना कि लास्ट डे तुम नहीं पढ़ोगे तुम स्ट्रेस लोगे, लास्ट डे तुम नहीं पढ़ोगे ना अगर, तो तुम्हारा दिमाग में हमेशा चीज़ मतलब तुम दिमाग खाली रख रहे हो, इन शॉर्ट तुम क्या कर रहे हो, तुम बस स्कूल बनने के चक्कर में जो है, मतलब जो लोगों ने कहा उसको फॉलो करने के चक्कर में तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम शांति से बैठे हुए हो, दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट दिन या लास्ट 2 दिन के लिए एक प्लान बनाया था, सिंपल प्लान,
ठीक है, मैंने ऐसा प्लान बनाया कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ू, 10 से 12 घंटे पढ़ू, और खुद को ना मुझे ओवर स्ट्रेस करना ना अंडर परफॉर्म करना है, ठीक है। जो मैं करता हुआ आ रहा हूँ पिछले एक मिनट, जितनी पढ़ाई में 1 मिनट से करते हुए आ रहा हूँ, उस लेवल की पढ़ाई मैं कंटिन्यू करूंगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगा और सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ूंगा। मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने बायो के ऊपर से सारे एग्जांपल देख लिए, सारे डेटा देख लिया, ठीक है, फिजिक्स के फॉर्मूलाज देख लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉलीमर केमिस्ट्री एवरी लाइफ, कुछ टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आते हैं उनको देख लिया, और ये ही लास्ट डे पे हेल्प करता है। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस थी यार पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर, वो देख लिया एक हाथ दो, फिर एक दो वीडियोस थी रिविजन के ऊपर, वो मैंने कर ली, जिससे फिजिक्स के सारे फॉर्मूला एक बार रिवाइज हो जाए। तो जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है कूल होकर वो चीज़ करो, ठीक है। रात को मैं पढ़ते हुए ही सोया, रात को फिजिक्स रिवाइज कर रहा था, सुबह उठा, लोग कहते सुबह उठ के कुछ मत पढ़ो, लेकिन मेरे को फिर वो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होता था, मैं 7 बजे उठ गया था, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो रहा था। 7 बजे उठा, थोड़े सॉन्ग चलाए, चिल डाउन किया, ठीक है, रिलैक्स किया, उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि बहुत रिग्रेसिवली पढ़ रहा हूँ टेंशन लेके, नहीं, आराम से बैठा हूँ बुक लेके, ये फॉर्मूला अच्छा आता है, ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, लॉजिक गेट ऐसे ऐसे होता है, ये निकालते हैं ऐसे, रेडियोएक्टिविटी ऐसे ऐसे होता है, ये करते हैं ऐसे, समझ में आ गया। एग्जाम सेंटर में गया, लगभग 11:30 का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। अब लास्ट में मेरे को थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गया, क्योंकि ड्रॉपर्स है यार, ड्रॉपर्स या जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, स्ट्रेस उसी को होता है, जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं को स्ट्रेस होता है, ठीक है। जो 21 लाख 20 लाख में से जो सच में 3-4 लाख पढ़ाई वाले बंदे हैं उनको स्ट्रेस होता है, उनके लिए ही ये वीडियो है बेसिकली। तो एग्जाम सेंटर से पहले मेरे को स्ट्रेस हो गया था, ठीक है, और ये स्ट्रेस दिमाग ख़राब कर रहा था। 11:30 बजे से पहले तो मैंने अपने टीचर से बात कर ली, जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे उनसे मैंने कॉल में बात कर ली कि यार सर क्या करना है, तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया। तो लास्ट टाइम पे अपने पेरेंट्स से बात करो, जब तुम एग्जाम सेंटर में जा रहे होंगे, मैं भी उस टाइम लाइव आऊँगा यार, मैं लाइव आऊँगा। क्यों लाइव आऊँगा भैया? एटलीस्ट कोई बच्चा अगर पैनिक कर रहा हो तो उसको मैं यूट्यूब पे आकर लाइव थोड़ा शांत कर पाऊँगा कि भाई चिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर ले वो कर ले, इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट तक अपन बने रहेंगे, पूरा साल किया है मेहनत यार, पूरे साल मेहनत की अपन ने, मैं लगा हुआ पूरे 1 साल से आपके ऊपर, मैं जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, आपको पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए, टेलीग्राम पर नई शीट्स दी, MCQ शीट दी, जितना मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सारा चीज़ मैंने किया, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे इतने रोज के 5-5 वीडियो दे रहा हूँ पढ़ाई वाले, ठीक है। मैंने आपके लिए फिजिक्स क्रैश कोर्स लाया, केमिस्ट्री क्रैश कोर्स लाया, मैराथन सेशंस लाया, जितने मेरे साथ जितना आई हैड द कैपेबिलिटी बीइंग MBBS स्टूडेंट मैंने कर दिया, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि मुझे भी सर्टिफिकेशन चाहिए कि भाई मैं जिस फील्ड में, एक यू कैन कंसिडर कि यार मैं उस फील्ड में हूँ, मैं MBBS स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन मैं एक यूट्यूब पर आपको गाइड करने के लिए मेंटर भी हूँ, कॉन्टेंट क्रिएटर भी हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ ने इस चीज़ को मैं, ये जो मेरा जॉब है, सेकेंड जॉब जो है, जो मेरा पैशन है, जिसको मैं 100% डिलीवर कर पाया कि नहीं कर पाया, ये तो आप मुझे बताओ कि रिजल्ट के बाद ही, ठीक है। रिजल्ट जैसा भी आए, अपने ने अपना 100% दिया है, तुमने दिया है, मैंने दिया है, ठीक है। अपन ने इस साल मेहनत की है, अब लेट्स सी क्या होता है। पेपर जब दोगे तब बस शांति से देना, कोई पैनिक नहीं, कुछ नहीं, पेशेंस रखना, शांति से खुद पे फोकस करो। कभी एक बार हमारा तुम्हें पैनिक हो जाए, मैंने ये कई बार किया है, लाइक एग्जाम से जस्ट पहले ना, आधे घंटे पहले 1:30 पे उन्होंने कहा वॉशरूम जाना नहीं है तुम्हें, पेपर तुम्हें मिल रहा होगा 2 बजे, तो हद से पैनिक हो गया मेरे को कि भाई पेपर आने वाला, जस्ट मिलने वाला, तो उस टाइम पर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो मैंने क्या किया ना, एक चीज़ सिंपल चीज़ करना है तुम्हें हमेशा, जब भी पैनिक हो लास्ट डे, लास्ट सेकेंड लास्ट डे, 10-15 सेकेंड के लिए आंखें बंद करके खुद के ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरे को सर्दी है लेकिन मेरे को तो नहीं हो पाएगा, ऐसे खुद के ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप तुम काम डाउन कर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करो ताकि लास्ट टाइम पे हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारे इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से और अनकॉन्फिडेंट बिहेवियर की वजह से स्कोर लूज ना करें। हमारा मेन एम पता क्या है? हमारा मेन एम सिलेक्शन नहीं है अभी, मेरा मेन एम होना चाहिए कि मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितने एफर्ट्स लगाए हैं पूरे साल भर, क्या मुझे उसका 100% आउटकम मिल रहा है, दैट्स इट। अगर वो मिल रहा है तुम विनर हो, ठीक है। यूट्यूब पे लोग बताते हैं कि भाई सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर बन के ये होते हैं, MBBS कॉलेज, ये सब कहीं ना कहीं ओवर हाइप्ड है। मतलब लास्ट टाइम पे एज्यूम कर लो, ठीक है, सपना सबका है, लेकिन एज्यूम कर लो कि भाई ठीक है यार, लाइफ है, ठीक है, बढ़िया कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो अभी ऐसे जाओ, जितनी प्रिपरेशन की है उसका मैं 100% निचोड़ निकाल लूँगा बस, ठीक है, दैट्स इट यार। मिलते हैं किसी वीडियो में अगले, पता नहीं कब, शायद नीट के बाद, या छोटे छोटे वीडियोस तो आते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूस मैं लास्ट तक रहूँगा, ठीक है, 5:20 के, उसके बाद भी काउंसलिंग में हेल्प करूँगा कि कहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, क्या चीज़ है, सब कुछ, ठीक है, टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।